जिस तरह से आजकल मीडिया का जो लाइमलाइट अटेंशन है ट्रिपल तलाक पे, और ऐसा लगता है कि देश की सबसे बड़ी समस्या ही ट्रिपल तलाक है। और मैं दावे से कह सकता हूँ ट्रिपल तलाक का जो मीडिया ने इशू उठाया सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उठाया। और ये मैं उन अपनी बहनों से भी कहना चाहता हूँ जो मीडिया के सामने आके बोल रही हैं, तो क्या कभी उन्होंने जब अपनी शादियां तय कर रही थी तो क्या उन्होंने कभी जानने की कोशिश की कि जिस लड़के से वो अपनी शादी कर रही है वो शरीयत के बारे में कितना जानता है? अगर वो ये पहले शरीयत के बारे में जानता तो इस तरह से बिल्कुल तलाक ना देता और तलाक को इस तरह से मजाक ना बनाता। दीन में इस तरह के तलाक की इजाजत बिल्कुल नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको नापसंद फरमाया, अल्लाह ने भी इसको नापसंद फरमाया इस तरीके के तलाक देने को। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप शादी तय करती हो तब ये नहीं पूछती कि लड़का शरीयत जानता है या नहीं, वो आप उस वक्त ये पूछती हो कि मुझे फ्रीडम देगा कि नहीं देगा, मुझे मुझे अब वो मतलब इसके पास फ्लैट कितना है, पैसा कितना है, लड़का कमाता कितना है। कभी आपने शरीयत पर ध्यान नहीं दिया। तो जब आपने शुरू में शरीयत की अहमियत नहीं दी तो आज शरीयत के खिलाफ बोलने का हक कैसे आपको हो गया? दूसरी बात, अगर आप ये कहती हैं कि 3 बार बोलने से तलाक नहीं होता, तो मैं ये कहता हूं कि 3 बार कबूल 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 बोलने से आपका निकाह भी नहीं हो सकता, क्योंकि शरीयत ने इस तरीके को कबूल निकाह में लाने का तरीका बताया। दूसरी बात ये रही, जो जो लोग इसके पीछे हम इन औरतों को मदद करने की बात कर रहे हैं, जो इन औरतों को साथ देने की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनका क्या अधिकार बनता है, जबकि उनके धर्मों में खुद ही औरत की इतनी बुरी उनको रखा जाता है। उनकी शादियां कुत्तों से कर दी जाती है, उनकी शादियां तुलसी से कर दी जाती है, बाल विवाह उनके इधर आम बात है। उनके यहाँ आप पूरे हिंदुस्तान में RTI डाल के पता कर ले, सबसे ज्यादा औरतें हिंदू कम्युनिटी में जलाई जाती है, बिकॉज ऑफ उनके पास तलाक से छुटकारे का कोई बात बिल्कुल वो नहीं है कि किसी वो मुसलमान किसी औरत की वो मदद करना चाहते हैं। वो सिर्फ मुसलमानों के मुद्दे उठा के देश के तमाम लोगों को दिमाग डाइवर्ट करना चाहते हैं। आज सैनिकों की बीवियां बेवा हो रही हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं। और दूसरी बात, इन्होंने दंगे करा के हिंदुस्तान में हजारों लाखों औरतों को बेवा किया है, वो आज मुसलमानों के तलाक की फिक्र कर रही है। तलाक की फिक्र छोड़ के उन्हें अपने अपने देश की फिक्र करनी चाहिए, किसानों की फिक्र करनी चाहिए, भुखमरी की फिक्र करना चाहिए, महंगाई की भ्रष्टाचार की फिक्र कर रहे हैं, सैनिकों के सर काटे जा रहे हैं, उनकी फिक्र उन्हें नहीं है, उन्हें बिल्कुल। और मीडिया के पास भी मुझे ऐसा लगता है कोई काम नहीं। मीडिया के लोगों से मैं अपील करता हूं कि देश में गिरती हालत को बताएं देश के लोगों को कि देश संभले। इस तरह से बिल्कुल पब्लिक का दिमाग ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश ना करें। और हमारे एक शरीयत जो है वो कोई हमारे पसंद के लिए नहीं है, कोई कानून नहीं जिसमें अमेंडमेंट होगा। हमारी शरीयत अल्लाह ने हमारे लिए मुकर्रर की, और हमने ईमान लाए, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहा, तो हम इस शरीयत के पाबंद हुए। और हमारी शरीयत में कोई बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आपका जो भी कानून हो, आपका हिंदू लॉ है, आप उसमें जो बदलाव करना चाहे करें। आप बदलाव करने की बात कर रहे हैं और वो लोग बदलाव करने की बात कर रहे हैं जो औरतों को सती करते थे। मुझे बहुत अफसोस होता है कि ऐसे लोगों के पास मुसलमान औरतें जाती है, और आज ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है देश में सारे मुसलमान सिर्फ तलाक ही दे रहे हैं। एक किसी गांव में एक औरत अगर कोई तलाक दे रही है तो ऐसा उसको दिखाया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है पूरे गांव इलाके के मर्द तलाक दें। जिनको नहीं मालूम है तलाक किस तरह देना चाहिए, तलाक का तरीका क्या है, पहला तलाक के बाद 1 महीने का इंतजार हो, फिर दूसरा तलाक हो, फिर तीसरा तलाक हो 1 महीने के इंतजार के बाद, ये सही तरीका है। और दीन में इसी की गुंजाइश है। और तमाम लोगों से मैं मुसलमान भाइयों से भी अपील करता हूं, इस तरीके से तलाक देकर मजाक न बनाए दीन का। और आप गलत होने से मुसलमान का दीन और मुसलमान की शरीयत गलत नहीं होती। और आप बिल्कुल फिक्र ना करें, दीन हम लोग अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से इस देश में रहने को तैयार है, उसमें हमें कोई शर्म और वो बात नहीं। अगर कोई कानून तोड़ता है तो हमारे पास भी उसके लिए कानून है, हम उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। पर्सनल लॉ ने पर्सनली बता चुका है कि जो लोग इस तरीके तलाक दें उनका सामाजिक बहिष्कार। जय हिंद।